नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है दूसरा T20 मुकाबला जो भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। कहां? इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। 14 तारीख को यह मुकाबला होगा। पहला मैच हो चुका है, अब दूसरे मैच की तैयारी चल रही है। लेकिन दूसरे मैच की पिच रिपोर्ट भाई साहब आपको हैरान कर देगी। दूसरे मैच की पिच रिपोर्ट में एक ऐसी बात मैं लेकर आया हूं, जब आप उस आंकड़े को सुनेंगे, उस आंकड़े को देखेंगे, तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में यार आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। क्योंकि असली मजा तो भाई साहब दूसरे मुकाबले में आने वाला है। असली रोमांच तो क्रिकेट का दूसरे मुकाबले में आने वाला है। क्योंकि ये दूसरा मुकाबला जो है ना, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा, कई लिहाज से बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टैट्स बता देता हूं, पिच रिपोर्ट बता देता हूं, फिर यह बताऊंगा कि आखिर कौन सी वो बात है पिच में जिसके चलते दूसरा मुकाबले का इंतजार हर कोई कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरनेशनल आंकड़े बताऊंगा, उसके बाद में डोमेस्टिक आंकड़े बताऊंगा। दोनों आंकड़े मैं लेकर आया हूं क्योंकि भारतीय मैदान है तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मैचेस यहां पर खेले जाते हैं। तो सारे आंकड़े मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन आखिर तक ये जरूर ध्यान रखना कि आखिर में मैं आप लोगों को वो एक चीज बताऊंगा जिस एक चीज का इंतजार आप करेंगे और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि इस मैच में मजा क्यों आने वाला है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स बता देता हूं। ग्राउंड मैंने आपको बता दिया है, होलकर मैदान है, यहां पर रन बहुत बनते हैं। तो फर्स्ट एवरेज फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर है यहां पर वो 210 है। 210 मतलब साफ है कि यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम रन बहुत बनाती है, खूब चौके छक्के बरसाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, खूब चौके छक्के यहां पर बरसाए जाते हैं। उसके बाद में सेकेंड इनिंग का स्कोर भी एवरेज जो है वो 175 है, मतलब रन यहां पर बनते हैं, अच्छे खासे रन यहां पर बनते हैं, बात साफ है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों को अगर देखा जाए। उसके बाद में हाईएस्ट स्कोर जो इंडिया का यहां पर है, क्योंकि इंडिया का मैच है तो इंडिया के हाईएस्ट स्कोर की बात जरूर की जाएगी। इंडिया का हाईएस्ट स्कोर यहां पर 260, भाई साहब 260 रन, यही तो वजह है अफगानिस्तान की रेल बना देंगे भाई साहब, 260 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यह इंडिया ने यहां पर हाईएस्ट स्कोर बनाया हुआ है, इसीलिए भाई साहब गौर करिएगा इस रिपोर्ट पर, गौर करिएगा, रिपोर्ट आपको देखनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी फैंटेसी टीम बनाते हैं तो यह रिपोर्ट आपको गौर से देखनी जरूरी है। उसके बाद में लोएस्ट स्कोर यहां पर श्रीलंका ने बनाया है 142/9। इससे पता चलता है कि इंडिया की बल्लेबाजी भी यहां पर चलती है, इंडिया की गेंदबाजी भी यहां पर चलती है, यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इंडिया ने हाईएस्ट स्कोर बनाया है और इंडिया के खिलाफ ही यहां पर लोएस्ट स्कोर बना है, यह चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। टोटल मैचेस यहां पर 2 खेले गए, अगर इंटरनेशनल मैच की मैं बात करूं, बैटिंग फर्स्ट विन 2, मतलब जो बैटिंग फर्स्ट है यहां पर वो 2 बार जीती है, बैटिंग सेकंड विन 1 बार, बिलो स्कोर 150 है, मतलब 150 से नीचे यहां पर केवल 1 बार बना है, 150 से नीचे यहां पर 1 बार बना है, मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि यहां पर रन बहुत बनते हैं, 150 से नीचे यहां पर बनते नहीं है। अबव स्कोर 190 जो है यहां पर 2 बार बने हैं, अबव स्कोर 190 यहां पर 2 बार बने, तो ये इससे बात साफ पता चलता है कि यहां पर रन बनने वाले हैं कम से कम 180 रन। यह बात आप गौर से सुन लेना, 180 रन यहां पर कम से कम बनने वाले हैं। 180 रन बनेंगे तो साफ है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब बल्लेबाजों का यहां पर खूब बोलबाला रहने वाला है, बल्लेबाजों की यहां पर बल्ले बल्ले होने वाली है, यह बात साफ है। अगर साफ पता चलता है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच यहां पर है, गेंदबाजों के लिए उतना यहां पर होता नहीं है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक स्टैट्स में, टोटल मैचेस यहां पर 9 खेले गए हैं। डोमेस्टिक स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल मैचेस यहां पर 9 खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट जो है वो केवल एक बार मैच जीती है डोमेस्टिक की, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, डोमेस्टिक में बैटिंग फर्स्ट 1 बार जीती है, बैटिंग सेकंड यहां पर 8 बार जीती है। अब इससे एक चीज साफ पता चलती है, देखिए ये इससे आपको एक स्टैट्स का और भी पता चलता है कि कुछ मैदान ऐसे होते हैं जहां पर ड्यू का असर होता है, तो ये भी वो मैदान है क्योंकि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहां पर 8 बार जीती है, मतलब सेकंड बार में बैटिंग करना यहां पर आसान होता है, ये चीज गौर करिएगा, दूसरी बैटिंग करना यहां पर आसान होता है, पहले बैटिंग करना यहां पर मुश्किल होता है क्योंकि गेंदबाजों को मदद मिलती है, और दूसरी जब बैटिंग टीम करती है तो गेंदबाजों को उतनी मदद नहीं मिलती है क्योंकि ड्यू भी हो जाती है, ओस होती होगी, तो उससे स्पिनर्स को उतनी मदद यहां पर नहीं मिलती है, तो बैटिंग सेकंड करना यहां पर फायदेमंद होता है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखनी होती है, ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद में
एवरेज फर्स्ट इनिंग 160, यहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग जो है डोमेस्टिक सीजन, डोमेस्टिक सीजन में आप मतलब घरेलू मैचेस भी देख लीजिए भी होते हैं और आईपीएल के मैचेस भी हमने इसमें शामिल करे हैं डोमेस्टिक में, तो ये चीजें आप लोगों को गौर करनी पड़ेंगी। डोमेस्टिक का मतलब आईपीएल भी इसमें शामिल है। तो यहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर है 160 है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में हाईएस्ट स्कोर जो यहां पर बना है डोमेस्टिक में वो केकेआर ने बनाया था आईपीएल में, 245 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। मतलब बात साफ है कि यहां पर बल्ला खूब चलता है, 245 रन अगर बनते हैं 20 ओवर में तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब कितने रन पर ओवर बने हैं। मतलब शुरुआत की बात कर लीजिए पावर प्ले की या फिर डेथ ओवर्स की बात कर लीजिए, यहां पर जमकर रन बनते हैं, यहां पर बल्लेबाजों के बल्ले पर गेंद अच्छी तरीके से आती है। यह पिच उछाल वाली पिच मानी जाती है। यहां पर मैं आप लोगों को यह भी समझा देता हूं, यह जो पिच है यह उछाल वाली पिच है, तो मतलब उछाल अगर गेंद पर आएगा तो बल्ले पर गेंद भी आसानी से आती है। गेंदबाजों के लिए यहां पर उतना कुछ होता नहीं है, बल्लेबाजों के लिए यहां पर बहुत मदद होती है। उसके बाद में लोएस्ट स्कोर यहां पर पंजाब ने बनाया था 88 रन 10 विकेट के नुकसान पर, यह बहुत पहले की बात है। उसके बाद में बिलो स्कोर 150, मतलब 150 से नीचे केवल 3 बार टीमें यहां पर आउट हुई हैं। ये भी चीज थोड़ा मतलब ज्यादा 150 से नीचे टीमें आउट यहां पर नहीं हुई हैं। स्कोर बिटवीन 150 से 170 दो बार, मतलब 150 से 170 के बीच में दो बार टीमें यहां पर हुई हैं आउट, अगर मैं 150 से 170 के बीच में करूं, ये अच्छा स्कोर है टी20 में माना जाता है। स्कोर बिटवीन 170 से 190 दो बार टीमें उसके बीच में भी आउट हुई हैं, मतलब 170 से 190 के बीच में टीमें दो बार पहुंची हैं। और स्कोर अबव 190 दो बार, मतलब साफ है कि 6 बार जो स्कोर बना है, 2, 2, 4, 2, 6 बार जो स्कोर बना है वो 150 से ऊपर बना है। मतलब रन यहां पर खूब बरसते हैं, चौके छक्के यहां पर खूब लगते हैं। ग्राउंड भी उतना बड़ा नहीं है, ग्राउंड भी उतना बड़ा ये है नहीं, मतलब 100 मतलब बीच की बाउंड्रीज यहां पर है वो नहीं है कि 85 मीटर वाली बाउंड्री यहां पर नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डोमेस्टिक को भी अगर देखे जाए, डोमेस्टिक स्टैट्स भी अगर देखे जाए तो साफ पता चलता है कि रन यहां पर बनते हैं। इंटरनेशनल स्टैट्स में भी देखा जाए तो रन यहां पर बनते हैं, खूब रन यहां पर जमकर बनते हैं, बल्लेबाजों की यहां पर खूब बल्ले बल्ले होती है। अब बात गेंदबाजों की मैं करता हूं कि किस तरीके के गेंदबाजों को मदद मिलती है। तो पेसर्स ने यहां पर 55 विकेट चटकाए हैं और स्पिनर्स ने भी यहां पर 55 विकेट चटकाए हैं। ये दोनों चीजें साफ पता चलती है कि इस मैदान पर ना गेंद तेज गेंदबाजों की चलती है ना स्पिनर्स की चलती है, दोनों की बराबर चलती है। ये चीजें आप लोगों को गौर करनी पड़ेगी। 55 विकेट दोनों ने चटकाए हैं, तो जाहिर तौर पर ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मैच में जब आप फैंटेसी बनाएंगे, पिच रिपोर्ट को देखने के बाद जब आप फैंटेसी बनाएंगे, तो साफ है और सीधे संकेत है कि आपको दोनों तरह के गेंदबाजों को चुनना है, क्योंकि स्पिनर्स को भी यहां पर मदद मिलती है और तेज गेंदबाजों को भी यहां पर मदद मिलती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शुरुआत के 10 ओवर्स में केवल मदद मिलती है, उसके बाद के 10 ओवर्स में यहां पर जमकर रन बनाए जाते हैं, ये बैटिंग फ्रेंडली हो जाती है। आखिरी के 10 ओवर्स में जो पिच है ये बैटिंग फ्रेंडली हो जाती है और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को यहां पर बहुत फायदा होता है। तो ये आंकड़े जो है वो इंटरनेशनल के और डोमेस्टिक के दोनों के आंकड़े मैंने आप लोगों को इस मैदान पर बता दिए हैं। तो जाहिर तौर पर मजा इसलिए आने वाला है, जो मैंने आपको शुरुआत में बात बताई थी, मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि इस दूसरे मैच में जमकर चौके छक्कों की बरसात आप लोगों को देखने को मिलेगी और जमकर बल्ले पर गेंद आएगी, तो बड़ा स्कोर टीम इंडिया का देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि टीम इंडिया के किसी बल्लेबाज का शतक यहां पर टी20 में आप लोगों को देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस अंदाज में यहां की पिच खेलती है, जिस तरीके से बल्लेबाजों को मदद मिलती है, उसको देखते हुए साफ तौर पर संकेत है कि यहां पर रनों की बरसात होने वाली है। मौसम सर्द होगा लेकिन भाई साहब गेंदबाजों के लिए बहुत दर्द होगा, और इसी को देखते हुए इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। लेकिन इसके बाद में फैंटेसी टीम हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।